गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे सिर की हालत देख लो। और मधु फाइनली रेडी होके जा रही ही है स्कूल, और हम भी जाएंगे आज। आज आज कहाँ जाएंगे, उस दिन भी आप लोगों ने बोला था स्वेटर उल्टी डाली है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाई थी, और आज भी मैंने स्वेटर उल्टी ही डाली है क्योंकि मुझे सुबह सुबह आदत है, जैसे स्वेटर मिलती है ना उठ के वैसे डाल लेनी। तो अभी मधु तो जा रही है स्कूल, और आज अंदर खाने में बना है बलेई और मक्की की रोटी। आप पता नहीं क्या बोलते होने उसको, बलेई को रेडू बोलते होने शायद, जो मतलब पहले चावल को बॉईल करना, फिर उसमें लस्सी लगानी, फिर उसमें पूरा ही सामान डालना, मतलब जो भी होता है, हल्दी, नमक, जीरा, धनिया पाउडर, सब कुछ डालना, मिर्ची, तो फिर उसमें लस्सी लगा के काढ़ना, तो उसको बोलते हैं हम बलेई, और मक्की की रोटी के साथ खाते हैं। तो अभी हम बही कर खाने जा रहे हैं, खाने तो नहीं जा रहे, अभी मैं नहाऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, तब खाऊँगी, मधु खाएगी, और मम्मी बना रहे हैं, मैं दिखाती हूँ, वेट एंड वॉच। मक्की की रोटी बन रही है, ये देखिए, यो बन के रेडी, मक्की की रोटी एंड लस्सी। ओ क्या बोल रही थी मैं, क्या बोलते हैं अभी, बलेई, ये होती वो। ये देखो इसमें हमने चावल डाले हैं, और हरा धनिया की बरसात हो गई ऊपर से, मुझे बहुत टेस्टी लगती है ये। सो मैंने सोचा आज हमने चले जाना है घर, तो बलेई और मक्की की रोटी खा के जाते। इधर तीन रोटियां बन भी गई हैं, कितनी कितनी छोटी छोटी पतली पतली, पकाई दे चार रोटियां, पकाई दे चार। ये बनी वो, अभी तीन हुई है, चौथी तो है, चौथी तवे पे, चौथी तवे गायो, एक एक ही खवानी है, किसी ने दो ही खानी हो तो। गाइस हम वीडियो बना लेते हैं इस वाले गाने में, वो रोटियां पकाई दे चार, फिर मिलते फिर मिलते हैं आपके सामने। गाँव में जो गाना नहीं होता, मक्की की रोटी खिलानी, मक्की की रोटी खाएंगे, मक्की की रोटी फेवरेट, मक्की की रोटी। गाइस ये देखिए मेरी मक्की की रोटी कितनी कितनी फूली फूली है, और एक ये भी बना दी मैंने, फूली फूली रोटी। आप लोग भी बनाते हो? आजकल की लड़कियों को बनाने में नहीं आती मक्की की रोटी, मुझे आती है बहुत काम नहीं, नहा के फ्री हो चुके हैं, और ये देखे इस साइड लग पड़े, क्या लग पड़े करने, बलेई खाने, क्या कर बोले, फोटो खिंचा कर, लोगों को पूछा है चार की नभाए अम्मा लोग पूछा बोले चार की नभाया बड़ा सारा चार भाई बोले अम्मा बड़ा गाइस अभी हम खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे बाद में, धूप लग रही है बहुत अच्छी, आया रोट गया मिर्चा पानी जी, ब्लेई वाह फेवरेट, ढाई रोटियां खाएंगी मैं, अब मैं ठंडी हुई रोटी और लाने आ जाओ। हाँ हो चुकी है मैं और कानू चल पड़े अब घर, और ये रहा हमारा नीचे सामान, मम्मी भी जा रहे हैं खुंडिया, म्याऊ दू मैं म्याऊ, देखो इसको ये म्याऊ म्याऊ करे जा रही है, खाने के लिए मांग रही कुछ, मम्मी भी उठ गई है रेडी, चलो फिर चलते हैं घर। मार्केट की दुकान पे, जो मैंने आपको बताया था पहले, खुंडिया में शॉप है, ये देखिए कितने सुंदर, और हमने डिजाइन पसंद कर रहे हैं कांठियों के, सो बोल के देखो, आप बताना कमेंट्स में ये वाला अच्छा है या फिर हमने लिया ये वाला, ये वाला
सुंदर है ना, ये इसके झुमके इयर रिंग्स और एक ये लेके डिजाइन है और एक ये, बट हम ये वाला देख रहे हैं, आप लोग बताना कि कौन सा अच्छा है। मैं ऊपर देख रही थी वो वाली है, ये नहीं नहीं मुझे पसंद। आप लोग भी यहाँ पे डिजाइन पसंद कर सकते हैं, वो भी डाल के बहुत सुंदर लगता है। मोमोज खा लो, चाउमीन खा लो, इधर भी खा लो। ये देखिए अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे फर्नीचर हाउस में, मतलब यहाँ सारा ही फर्नीचर का सामान मिलता है। बेड है, लमारी है, अलमीरा, बहुत सोफे भी हैं, ये देखो अच्छे से अच्छे। पूरा रिव्यू करवाती हूँ आपको, ड्रेसिंग सीसा। सो ये देखिए मैं भी आ रही हूँ इसमें, सुंदर लग रही है ना, ऐसे देखो ध्यान से। वाओ ड्रेसिंग सीसा, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। खैर छोड़ो, और इस साइड भी देखो, बेड भी बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, एलईडी सब कुछ मिल जाएगा। इस सोफे का कलर अलग सा है ना, ये देखो अच्छा लग रहा है। मंदिर ये साथ में ही है, यहाँ पे खुंडियाँ में रोड के साथ में ही है। इन भाइयों का नाम शायद सुनील है। यहाँ पे बहुत अच्छा सामान मिलता है, ये देखिए प्रेस भी बदी हुई आना सब, नीचे स्पेस भी काफ़ी, अंदर भी है इसके अंदर गाइस, अच्छी ले ले। ये वाले लिए हमने अलमीरा, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, ऊपर प्रेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये, तो हम ये पसंद करके जाएंगे। कंबल वगैरह भी है गाइस, इसका प्राइस भी ठीक है, 4000 की है ये, और काफ़ी अच्छी है, मतलब स्पेस वाइज भी अच्छी है गाइस। ये देखो फिर नई बात है, ये सभी जाते हैं अपने ससुराल, ससुराल जाने के लिए सारे खुश होते हैं, आपकी तरह थोड़ी ना। आप आज बिट्टी सो रहे हैं, तुम क्या दिखा दे, ना चला क्या दिखा दे, आगे आया कैसी बोल ले, ओ बाबा ये तंदरे भाई अंदर काम कर नहीं कोई है, पैसे ने नाल हथे ले लिया। चार रोटी रोटी खा सवार जमा थी बेले घूमे हो गाड़ी जो मुछा तो जरा हो मैं पहले बिट्टी सो रहे चली है दिखा इना मिले चल लो सो रहे ने कुछ मामासी। जस्ट अभी मैं बस से उतर चुकी हूँ और फाइनली अपने ससुराल वाली सड़क पे पहुँच चुकी हूँ, अभी घर नहीं पहुँची हूँ। सो चलते हैं फटाफट, माही को मैंने बाजी वगैरह ली खाने के लिए, तो मिलाती फिर आपको माही से जाके। आपके बाल कहाँ है, बाल कहाँ है आपके, किसने काट दिए? चुकी हूँ अभी, ये देखिए आप किचन से आइडिया लगा सकते हो। और अभी मैं बगीचे से लेके आई सौंफ और थोड़ा सा पालक, क्योंकि आज मैं इसका आलू डाल के भुज्जू बनाऊंगी अपने लिए, तो मैं बगीचे से तोड़ के लेके आई। अभी कुछ काम कर लेती हूँ फिर आती हूँ आपके सामने, भुज्जू दिखाऊंगी आपको कि कैसा बना है। सो मैं फटाफट से कर लेती हूँ काम, फिर मिलती हूँ आपसे। ओके, पेड़े बनाने का आसान तरीका,
ढाबा स्टाइल ढाबा स्टाइल पूरियां बनेंगी इसकी पूरियां। तो बड़ा आसान है इंया ना झट वेला कट कर। हाँ जितने मर्जी बंदे खवाई दे और क्या बर्थडे इस साइड भी सारे बैठे आगे देखो चीज हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर अनाया अनाया होना डे टू यू मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. सभी को दो। मैं वहां से बड़े वाले घर से पहुंच चुकी हूँ घर आके और रात के हो चुके हैं कितना टाइम हुआ है 10:30 और अभी मैं हीटर को पैर गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा पैर गर्म करके सो जाती हूँ। सो इस वाले व्लॉग की हम यहीं पे करते हैं एंडिंग और मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ। अगर व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो बाय बाय सभी को टेक केयर।